Hello, students, and welcome back to bankexamstuder.com. My name is Ramandeep Singh, and today we are going to do the Surf IC Act 2002 for the PNBSO Credit Officer. Also, very important for Union Bank of India Credit Officer, Scale 2 and Scale 3. Uh, Forex uh, Forex Officer, Credit Analyst is very important. The most important question from Surf IC Act, which has been repeated multiple times, वो भी रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हुआ आर आर बी स्केल टू का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर तो सारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जो रिपीट होता है वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ सरफाइसी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट टू थाउजेंड टू हम पूरा सरफाइसी पढ़ाते हैं पैंतीस चालीस मिनट का पच्चीस क्वेश्चन करवाते हैं बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स पेपर में क्या आता है कि सरफाइसी क्या की क्या फुल फॉर्म है एंड दैट्स ऑल इससे आगे जाते नहीं है और पेपर में इतना ही आ जाता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ठीक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अभी सरफाइसी का फुल फॉर्म आया है, है और सरसाइवल आया है वो अगले टॉप जब आएगा मैं बताऊंगा आपको सो माय नेम इज़ रमनदीप सिंह आई अलेवन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम छोड़े दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर एंड पी एन क्रेडिट ऑफिसर का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो थर्टी को एग्जाम है थर्टी ऑफ मार्च को Uh, link to join the course is available in the description, right? Uh, list of all our successful students in BNBS, so Credit Officer 2023. These are all our students hain who cracked the exam in the previous years. <clears throat> Let's start the session with the question number one, the most important and most popular question, Sir ka full form, Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बार बार यही आता है हर बार यही आता है एंड अंडर सरफाइसी विच टाइप ऑफ लोन कैन बी रिकवर्ड लोन्स सिक्योर्ड बाय प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल लोन्स कैन नॉट बी रिकवर्ड एडुकेशनल लोन्स और एग्रीकल्चरल जो प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट कवर्ड लोन सिक्योर्ड बाई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल और कमर्शियल नॉट एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी पर आप नहीं कर सकते वट इज़ द टाइम पीरियड फॉर अ बॉर्वर टू क्लियर ड्यूज़ आफ्टर रिसीविंग अ डिफॉल्ट नोटिस फ्रॉम द बैंक और लेंडर साठ दिन के अंदर अंदर विद इन सिक्सटी डेज द बॉर्वर हैज़ टू पे साठ दिन का टाइम दिया जाता है नोटिस मिलने के बाद एंड द सरफाइसी एक्ट कैन बी यूज टू रिकवर लोन्स फ्राम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स इंडस्ट्रील प्रॉपर्टी अगर सिक्योर करिएट एग्रीकल्चर लैंड अगर सिक्योरिटी है तो वहाँ पर नहीं यूज़ हो सकता सरफाइसी एक्ट The minimum outstanding amount. This question has been repeated multiple times. the minimum outstanding amount for a bank to initiate actions under Surf IC 1 lakh rupees ka minimum outstanding amount hona chahiye, uh, to initiate action under Surf IC Act. And who can be appointed as secured creditors? अंडर एस एट री कंस्ट्रक् हु कैन बी अपॉइंटेड एज सिक्योर्ड करेटर सिक्योर्ड करेटर एस एड री कंस्ट्रक्शन कंपनी ए आर सी किस को कर सकते हैं हायर कंपनीज रजिस्टर्ड विद आर बी आई अंडर द स्पेसिफिक गाइडलाइंस आर बी आई के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए बैंक्स द कंपनी रजिस्टर्ड विद आर बी आई अंडर द स्पेसिफिक रेगोलेशन दे कैन बी ए आर सी बन सकते हैं वो वॉट इज़ द रूल ऑफ़ सेंट्रल रजिस्ट्री अंडर द सरफाइसी टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल सिक्योर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मेनटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सरसाई ये पेपर में आता है, आया अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज द रूल ये क्वेश्चन जो है सी बी आई एसओ क्रेडिट में ये क्वेश्चन आया है रिसेंटली राइट एंड पिछले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एक ये वाला भी रिसेंट किसी एग्जाम में आया है वन लाख रुपए वाला और फुल फॉर्म ऑफ सरफाइसी वो तो बार बार आता है आ चुका है बहुत बार आ चुका है अभी दोबारा आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है द uh, सरसाई इसका फुल फॉर्म पेपर में आया है यस दिस वन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम में सरसाई का फुल फॉर्म आया था सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकन्स्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ये फुल फॉर्म पेपर में आया है इट इज अंडर सरफाइसी एक्ट लेकिन सरसाई का फुल फॉर्म पेपर में आए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एस पर प्रोविजन ऑफ सरफासी एक्ट टू थाउजेंड टू वेन वन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हुआ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर्सिम रिप्रेजेंटिंग मिनिमम टू थर्ड ऑफ वैल्यू ये आपका आई बी सी वाला लॉ ही यहां पर एप्लीकेबल हो गया टू थर्ड सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट जिसके पास है जिस टोटल uh, मान लीजिए एक करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग है और उसमें से सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट एस ने लेना है तो एस डिसाइड करेगा कि क्या एक्शन लेना है ओके प्रॉपर्टी बेचनी है नहीं बेचनी एस बी आई इज गोइंग टू डिसाइड वट हैपन्स टू द सरप्लस अमाउंट अगर इफ देर इज एनी सरप्लस अमाउंट एक करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी जबकि लोन आउटस्टैंडिंग था वो था अस्सी लाख द रिमेनिंग ट्वेंटी लाख आफ्टर डिडक्टिंग द लीगल एक्सपेंसिस आपको जो है उसका जो बॉरोवर है उसको देना पड़ेगा यू नीड टू रिफंड टू द बॉरो आफ्टर डिडक्टिंग द लीगल एक्सपेंसिस विद इन हाउ मेनी डेज बैंक्स आर ऑथोराइज अंडर द एक्ट टू इशू नोटिस टू द डिफॉल्टिंग बोरोवर्स एंड इज गेंटेज टू डिस्चार्ज द ड्यूटी सिक्सटी डेज अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो बोरोर के पास 60 डेज रहते हैं एंड विद इन हाउ मेनी डेज बैंक्स आर ऑथराइज्ड टू एक्ट आफ्टर 60 डेज 60 डेज का टाइम दे दिया बॉवर को ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पहले भी लैंग्वेज अलग है बॉरो को 60 डेज़ का टाइम दिया जाता है उसके बाद बैंक्स दे कैन टेक देयर एक्शन ओके इफ यू वांट टू रीड दिस यू कैन रीड दिस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्ट एस्टैब्लिशेस विच एंटिटी टू अक्वायर एसेट्स फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कैन इट तो आर के साथ रजिस्टर्ड है ए आर सीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ये बैंक से खरीदते हैं दे, दे री इट ये उनके ऊपर है ठीक है दे नीड टू रजिस्टर विद द आर बी आई टू अप्लाई द सरफाइसी एक्ट द बोरवर अकाउंट हैज़ टू बी क्लासीफाइड एज एन पी एंड मस्ट है दिस क्वेश्चन हैज़ बिन रिपीटेड लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है एक लाख रुपए का मिनिमम डिफॉल्ट दिस क्वेश्चन हैज बिन रिपीटेड लाइक मल्टीपल टाइम्स एक लाख रुपए का कम से कम डिफॉल्ट है तो सरफाइसी एक्ट लगेगा ओके एंड इट शुड बी एन एन पी एकाउंट द सरफाइसी एक्ट वॉज पास अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी ओके द पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ डी आर टी इज ट्वेंटी लाख रुपीज ओके एंड द बैंक इशू डिमांड नोटिस ऑफ सिक्सटी डेज रिपीटेड अगेन ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है Uh, while issuing demand notice, financial institutions, they must ensure that uh, the 1 lakh rupee is at least 1 lakh rupees due from the customer. It is not an agriculture property. The account has been declared as NPA and 80, if 80% of the uh, outstanding uh, principal and interest has been paid and 20%, less than 20% is outstanding, then uh, surfacy cannot be implemented. उटस्टैंड ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज ट्वेंटी रह गया है लोन, लोन था एक करोड़ का और पेंडिंग अमाउंट सिर्फ दस लाख रुपए है तो आप नहीं लगा सकते द प्रोसीडिंग यू कैन रीड इट आउट इफ यू वॉन्ट टू इनकेस ऑफ कंसोटियम ऑफ एडवांसेस वही सेम रूल है एक करोड़ रुपए अगर आपका आउटस्टैंडिंग है एक सेम प्रॉपर्टी पे द प्रॉपर्टी इज सेम एक प्रॉपर्टी को तीन बैंक के पास रखा हुआ है सो टू थर्ड नाउ इट हैज़ बिन चेंज इट यूज टू बी सेवेंटी फाइव परसेंट बट नाउ इट इज़ टू थर्ड अब ये टू थर्ड हो चुका है इट हैज़ बिन अपडेटेड इट इज टू थर्ड नाउ ओके पहले सेवनटी फाइव परसेंट था अब टू थर्ड है आ, वो डिसाइड करेंगे टू थर्ड और द और मोर बैंक कंसेंट फॉर द इशुएंस ऑफ डिमांड नोटिस टू थर्ड वोटिंग राइट अगर करोड़ रुपए लेना है एक आदमी से तीन चार बैंकों ने मिलकर सिक्सटी सिक्स पॉइंट छियासठ लाख छियासठ लाख छियासठ हजार छः सौ समथिंग इतना लोन जो है जिस बैंक ने लेना है वो डिसाइड करेगा राइट वोटिंग राइट इज डिपेंडेंट अपॉन द लोन वैल्यू वोटिंग राइट जो है वो लोन वैल्यू पर डिपेंड करेगा ठीक है Surface Act is not applicable on agricultural land, but it is applicable on agricultural land if it has been used for non-agricultural property of non-agricultural purposes. Okay, BP applicable hai. So you can read it. Very important amount due is SurfIC Act not eligible where dues are below 1 lakh rupees. Agricultural land hai, nahi amount due is less than 20% of principal and interest due. इट शुड बी एन एन पी ए वेयर सिक्योरिटी इज नॉट चार्ज टू द बैंक लिमिटेशन हैज़ एक्सपायर्ड अंडर लिमिटेशन एक्ट लोन सिक्योर्ड बाई अपलेज लीन और बाई सिक्योरिटी ऑफ बैंक डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट के अगर अगेंस्ट लोन लिया है तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल बैंक शेल नॉट इनवोक प्रोविजन ऑफ सरफाइसी अनलेस चार्ज इज रजिस्टर्ड विद इन द टाइम फ्रेम विद सरसाई सो प्लीज़ रीड इट वेरी इंपॉर्टेंट सरफायसी का एक मेन मेन जो क्रक्स है वो इसी स्लाइड में ही है यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट लेट मी जस्ट हाइड माई फेस इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू राइट लेट मी जस्ट डिलीट बाकी का मैं डिलीट कर देता हूँ यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइड है सरफाइसी का मेन जो है क्रक्स इसी में ही है राइट ज़्यादा काफ़ी सारे क्वेश्चन तो मैंने आज रिपीट कर दिए यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ओके तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखे होंगे कि साठ दिन का नोटिस है एक लाख रुपए कम से कम ड्यू होना चाहिए ये ट्वेंटी परसेंट वाला एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं लग सकता सरफाइसी का फुल फॉर्म क्या है सरसाई का फुल फॉर्म क्या है इसी में ही आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है राइट लेट्स मूव फॉरवर्ड द अग्रीवड पार्टी अंडर सरफाइसी एक्ट कैन अपील टू डी आर टी डी के पास जा सकते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो ऑब्वियसली नहीं जा सकते राइट इन केस ऑफ इशुंग डिमांड नोटिस बॉर्वर्स एंड अ रिप्रजेंटेशन टू द बैंक द बैंक शुड रिस्पॉन्ड विद इन फिफ्टीन डेज बैंक को पंद्रह दिन के अंदर अंदर जो है रिप्लाई करना पड़ेगा बॉर्वर्स को साठ दिन मिलते हैं बैंक को पंद्रह दिन मिलते हैं सो आई होप दैट वॉज अ दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग लेक्चर फॉर यू जो भी रिसेंट क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या कोई वेल्थ मैनेजर वाला एग्जाम है जो रिसेंट एग्जाम जो है दैट आई हैव शेयर्ड so you are going to find some questions in the exam from today's class only so you should join the pnb so credit officer course on bankexamstudy.com where you are going to get a lot of useful study material right the test series the quizzes the live sessions everything is available in the course link to join the course is available in the description uh, please check the description right list of our successful students

सो दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर एंड सत्रह और इकतीस राइट right? ये दोनों दिन को दिनों में मैं फ्री हूँ शायद तो इफ वैसे स्क्राइब ऐसे बतवाना नहीं चाहिए एज अ बींग अ टीचर मैं किसी का पेपर देने चाहूँ स्क्राइब सो दैट्स नॉट फेयर सो एनी वेज दिस इज़ माई व्हाट्सऐप नंबर इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज़ ज्वाइन द वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट स्टडी मटीरियल अवेलेबल ऑनलाइन एंड दैट्स सॉल्व फोर टूडे स्टूडेंट्स थैंक यू एंड है वेरी नाइस डे बाय ठीक है